तभी आप इस चीज़ को समझ पाओगे, मतलब मैं जो चीज़ कह रहा हूँ ना कि कितना खूबसूरत है। जब हम यहाँ पर आओगे इसे देखोगे तब आपको पता चलेगा। उठ गए फटाफट तैयार होते हैं। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, हो रहा है सुबह का 4:55, मतलब अभी 5 मिनट बाद 5 बज जाएंगे। तो अभी हम जल्दी से उठे क्योंकि कल रात हुआ क्या, क्योंकि छुट्टियां चल रही है ना, 2-3 दिन की लगातार छुट्टियां पड़ी है, तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं। और हमारा प्लान ये है, पहले हम लोग सोच रहे थे कि ताजमहल थोड़ा हम आराम से घूम लेंगे, लेकिन अब हमें जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। मतलब जब अभी जब सनराइज होगा हमें उसी टाइम पहुंच जाएंगे ताजमहल, और उसके बाद टाइम से वहाँ से निकल लेंगे, फिर और जगह घूमने जाएंगे। तो अभी मैंने होटल वालों से पूछा, बोला कि उनके वहाँ भी काफ़ी लोग आए थे टूरिस्ट लोग रूम के लिए, अब उनके पास रूम ही नहीं है, तो मतलब भीड़ बहुत होने वाली भाई, बहुत फौरन सा आए वही ना, ये देख नहीं रहा होगा ये रहा अभी उठ रहा है। तो अभी ऐसा करते हैं फटाफट उठते हैं, नहाते धोते हैं और मैं मिलता हूँ फिर आपसे थोड़ी देर में। Hey दोस्तों, कैसे, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। अभी हम तैयार हो चुके हैं, अभी आप देख रहे हो तो बाहर अभी भी अंधेरा हो रहा है। टाइम हो रहा है अभी 5:37, तो हम लोग ने सही टाइम पे तैयार हो गए। अब जैसे ही उजाला होगा ना वैसे ही हम ताजमहल के अंदर घुस जाएंगे, सबसे पहले घुसना में, ठीक है? या चलो तो वो खड़ी है हमारी गाड़ी, और अंकल जी रात भर, मतलब रात में अंकल जी से मिला था तो बोले थे टेंशन मत लो मैं उठे रहूँगा रात भर। इन्होंने मस्त करके हमारी गाड़ी सबसे पहले लगवा दी ताकि सीधा हम निकाले, सीधा भी निकले ताजमहल को। गाड़ी हो चुकी है पीछे पार्क, वो कह रहे हैं आप बैग भी लेके नहीं आ सकते हो, ट्राईपॉड भी रखी दो इधर कोई, तो सारा सामान मैंने गाड़ी में रख दिया। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं आगे को, कितनी भीड़ लगी यहाँ पे देखो। तो अभी हम सोच रहे हैं कि अभी थोड़े से जब दूसरी गाड़ी होगी तो तभी हम अंदर को जाएंगे, अभी वहाँ पर खड़े होने का वैसे कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी देखो बस देखो कितनी फुल हो चुकी है, पूरा वो ड्राइवर के बाजू तक बैठे लोग। देखते हैं अगली गाड़ी जब आती है तो उसके बाद निकलते हैं अंदर को, और भीड़ बहुत तगड़ी हो रही है वहाँ पर। जिसने हमारी गाड़ी लगाई ना, लाइट कहाँ से आ रही है, जिसने हमारी गाड़ी लगाई ना वो भी कह रहा भाई आज भीड़ बहुत तगड़ी होने वाली है, टाइम से घुमाओ। A few moments later. भाई साहब सही में एक टास्क था ये तो अंदर से आना, कितने लोग भरे हुए थे वो, आए मेरी कमर टेढ़ी हो गई यार, मैं टेढ़ा खड़ा था। और ये 1 किलोमीटर था पार्किंग यहाँ तक, हम यहाँ से टिकट लेंगे यार, पहले ऐसा नहीं था यार जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं बहुत साल पहले आया था अपने पापा मम्मी के साथ तब नहीं था इतना। और पीछे देखो कितने भरे हुए थे यार पीछे देखो कितने, कितनी भीड़ आ रही है। और भाई कहाँ मैं सो रहा था, सुन कहाँ मैं सो रहा था कि सबसे फर्स्ट एंटर करने वाला मैं ही हूँ, लेकिन हाँ तो आई थिंक अभी से 250-500 मेरा पता क्या प्लान था, मैं सो रहा था सबसे पहले आऊँगा, पहला कदम मैं रखूँगा और शुभारंभ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। मिल चुके 100 रुपये में 2 टिकट, और अगर आप फॉरनर हो तो फॉरनर्स के लिए 1000 रुपये का टिकट है, और हमारे लिए 50-50 के 2 मिल गए, ठीक 2 टिकट्स। अभी सामने है लाइन, अभी हमें इसी लाइन में लग के अंदर घुसना है। अरे भाई साहब भीड़ तो बहुत तगड़ी हो रही है यार। अभी हम लोग वहाँ से हमने पूरी अपनी एंट्री वगैरह करवा के अभी हम अंदर को आए हैं, देख सकते हो कितना खूबसूरत वहाँ पे देखो। अरे यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए, आ जाओ भाई अंदर मेन फोटो खींचने हमें, चलो पहले अंदर चलते हैं। ऑलराइट दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ ताजमहल के सामने, वो देखो पीछे ये। और भाई कितना बड़ा है, मुझे याद है जब मैं बहुत, मतलब जब मैं बहुत छोटा ही था जब मैं अपने घर वालों से गया था, वो थोड़ी थोड़ी याद है, तो हमने उधर फोटो खिंचवाई थी जहाँ पे भी इधर ये लोग हैं ना, हमने इसी जगह कहीं फ़ोटो खिंचवाई थी, मेरे को भी ढंग से याद नहीं, उस समय मैं बहुत
दिखाने लायक फोटो नहीं है वो। मुझे नहीं पता आपने कितनी बार इसे हमने रियल लाइफ में देखा, लेकिन यार सही में बहुत बड़ा है, पता है? बहुत खूबसूरत है, मतलब फोटो में देख के नहीं लगता कि कितना बड़ा हुआ, भाई बहुत ही बड़ा है। मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ से दिखाता हूँ, फिर हम चलते हैं उसके आगे, क्योंकि इसके आगे कह रहे हैं वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है, बट हम करेंगे थोड़ी सी करेंगे, ताकि अभी यार रूल तो रूल है, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत करेंगे, बाकी भी चलते आगे। थोड़ा बहुत आपको मैं यहाँ से दिखाया था, कुछ भी बोलो यार, यहाँ पे पहले के मुकाबले सिक्योरिटी बहुत टाइट हो गई है, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पे आप बहुत तगड़ी भीड़ हो रही है, पीछे देखो पीछे क्या हालत हो रही है भाई, अबे यार लेकिन मज़ा आ गया, पता है जितना हम खड़े होकर आए ना यार, सही में बढ़ तो सुबह टाइम से उठना, क्योंकि अभी कह रहे हैं कि दिन में अभी और बढ़ेगा, क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी होती है, ठीक है, तो उसके अगले दिन बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाती है। तो भी ये ताजमहल के अंदर जाने के लिए हमें ये कवर दे रखे, ताकि ये सब इसलिए दे रखे ताकि अंदर जो मार्बल है वो ख़राब ना हो। तो अभी हम चलते हैं अंदर को, देखते हैं अंदर हम कितना कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने अपना कैमरा रख दिया है टाइम लैप्स के लिए, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ यार। कुछ ही बोलो कितना खूबसूरत है, लिटरली पता है ये चीज़ ऐसी है ना कि एक बार आपको आनी चाहिए, मतलब मेरा मानना ऐसा है कि एक बार आप डेफिनेटली इधर आओ, तभी आप इस चीज़ को समझ पाओगे, मतलब मैं जो चीज़ कह रहा हूँ ना कि कितना खूबसूरत है। जब हम यहाँ पर आओगे इसे देखोगे तब आपको पता चलेगा। वहाँ पे अपनी फोटोज़ वो भी एडिट कर रहा है, मैं वहाँ पे टाइम लैप्स ले रहा हूँ, अपना कारोबार भाई बराबर चलता है। उसके बाद हम जल्द से निकलते हैं। अभी हम ऐसा करते हैं, अब चलते घर को, लेट्स रॉक, कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया हमने एक्साइटमेंट के चक्कर में, ताजमहल देखना इतनी दूर से आया। आई होप आपको जो इतनी भी चीज़ें थी मैं दिखा पाया अपने तरफ से, धीरे धीरे करके चोरी छुपे जितना भी रिकॉर्ड कर सकता मैंने किया, और कैमरा ने मना है जबकि अभी मैं कैमरा रखता हूँ, क्योंकि नीचे थोड़ी सिक्योरिटी वाले, उसके बाद बाहर मिलता हूँ आपसे। तो अभी आप देख सकते हो अभी मैं गेट के पास हूँ, ठीक है, तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी जैसे ताजमहल अभी आपको इतना दिख रहा है, ठीक है, दूर दिख रहा है, अभी जब मैं बाहर जाऊंगा ना तब आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जैसे ही मैं बाहर जाऊंगा उसके बाद जब मैं बाहर से अंदर देखूंगा तब आपको देखना ताजमहल करीब दिखेगा, तो अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो मैं गेट से बाहर आ गया हूँ, और अब आप देखो ताजमहल कितना करीब लग रहा है, ये देखो यहाँ मैं गेट से बाहर हूँ और ताजमहल देखना यहाँ से कितना करीब लग रहा है, ये देखो। तो अभी ये जो मैंने चीज़ दिखाई ना कि जब आप अंदर खड़े हो तो आपको ताजमहल दूर लगता है, लेकिन जैसे आप बाहर आते हो तो जब आप इस एंगल से देखते हो ना, ये जो दरवाजे वाला एंगल है, तो जहाँ से आपको ऐसा लगे जैसे ताजमहल कितना करीब है, तो इसका डिज़ाइन जो इस तरीके से बनाया गया था ना, ताकि जब आप जाओ तो ताजमहल की यादें अपने साथ ले जाओ, तो इसलिए इसका ऐसा डिज़ाइन बनाया गया। अब ये चीज़ कैसे होती है मुझे नहीं पता, मैंने खुद डिस्कवरी में देखा था बहुत साल पहले, तो वही चीज़ मैंने चेप दी सेम आपको। तो ये मैजिक बहुत कमाल का है इधर का, ये मैजिक वैसे बताऊँ हर कोई इतनी जल्दी नोटिस नहीं कर पाता, जब आप जाओगे ना, जब आप आओगे ऐसे अंदर मेन घुसोगे तो आपको ताजमहल बहुत करीब लगे, जैसे आप अंदर जाओगे तो एकदम ताजमहल सडनली बहुत दूर हो जाएगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो ये नाश्ता आ चुका है, तो हुआ क्या था ना, हम लोग जल्दी इसलिए आ गए ताजमहल से, वैसे ताजमहल तो हम घूम चुके थे पूरा, हम चाहे तो बैठने को और बैठ सकते, हमने बोला कि यार जब कॉम्प्लीमेंट्री नाश्ता मिल रहा है तो क्यों छोड़े भाई, मैं तो भाई असली हिंदुस्तानी हूँ, तो भाई मैं तो छोड़ता नहीं, तू छोड़ता है? No. फ्री का नाश्ता कौन छोड़ेगा भाई। हमें मिला हुआ है यहाँ पे चाय, पूड़ी, आलू की सब्जी, अचार, दही, तो सही है भाई। तो अभी इसे खाते हैं, 10 मिनट आराम करते हैं, फिर द्वार से निकलते हैं। तो अभी हम जाएंगे लाल किला,
तो अभी हमने यहीं से पूछा लोकल कि भाई गाड़ी लेके जाएं या किससे जाएं, तो वो कह रहे हैं कि यार गाड़ी लेके मत जाओ, खाली बेकार का ट्रैफिक है बहुत, यहाँ से हम लोकल शेयरिंग ऑटो कर लेंगे सीधा, फिर हम लाल किला चलते हैं, पहले इसको लपटा लेते हैं फिर चलते हैं। ओ भाई किसने खाने में क्या मिलाया था यार, क्यों क्या हुआ? मेरे को बड़ी नींद आ रही है पता है, सच कह रहा हूँ मेरे को बहुत तगड़ी नींद आ रही है। टाइम कितना हो रहा है? 10:27। अब हम ऐसा करते हैं लाल किला चलो भाई करना पड़ेगा, आज का दिन है बस हमारे पास घूमने के लिए, क्योंकि फिर कल मेरे को जाना है हल्द्वानी, तो आज का दिन हम बर्बाद नहीं कर सकते बिल्कुल भी। चले चलो। ये रहे 2 टिकट ऑफ लाल किला, और फाइनली हमें 2 मिल गए, क्योंकि तो यहाँ पे 2 का बड़ा बवाल है यहाँ भाई साहब, 10-20 रुपए टिकट विकेट मिल गया, अंदर को चलते हैं। बहुत धूप हो रही है, गर्मी भी बहुत हो रही है, बट हम सब जगह घूम कर आएंगे। तो ट्राईपॉड इन्होंने रखवा दिया है, कह रहे कि वो छोटा सा जो मेरा मैन प्रोथ वाला ट्राईपॉड है, कह रहे वो भी नहीं ले आ सकते। पीछे मैंने अंकल ट्राईपॉड दे दिया है, टोकन ले लिया, अब चलते हैं अंदर को। यहाँ पे वैसे यहाँ पे भी बहुत भीड़ हो रही है यार, लाइन वाइन लगी हुई है। चलो। A few moments later. ऑलराइट दोस्तों, हम लोग ऑब्वियसली लाल किला के बीच में खड़े हुए हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ, वैसी गर्मी बहुत हो रही है, अब आ रहा है खूबसूरत चेहरा देख के क्या करोगे? पसीना आ चुका है। वही तो कह रहा हूँ, खूबसूरत चेहरा देख के क्या करोगे? आप यहाँ के व्यू देखो और हम तब तक घूम घूम के आपको व्यू दिखाते हैं, यहाँ के व्यू देखो और मजे करो, ठीक है? दोस्तों हम लोग अंगूरी बाग में बैठे हुए हैं, और यार सच बताओ कितनी बढ़िया रिलैक्स करने की जगह है। धूप इतनी तेज है ना, लेकिन जब आप इसके अंदर घूमोगे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। क्यों तेरे को लगी गर्मी? मेरे को तो नहीं लगी बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे जो जितने भी मार्बल छोगे ना, अपने आधे जब छोगे, इतनी देर से धूप पड़ रही है, एक भी चीज़ आपको गर्म नहीं लगेगी। तो बहुत कमाल की चीज़ है, हर एक स्ट्रक्चर कितना कमाल का बना रखा है। और साथ में हम लोगों ने कोई गाइड तो किया नहीं, बहुत सी चीज़ें तो मतलब मुझे पता थी, मैंने बहुत पहले से पढ़ रखा है इस चीज़ के बारे में, वही सब चीज़ मैं देख रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ नहीं पता थी वहाँ पे, सीधी बात है बहुत सारे गाइड्स यहाँ पे घूम रहे हैं, उनसे पूछ लिया और पता कर लिया हमने, तो वर्थ हुआ पता है यहाँ पे घूमना। मैं तो भाई हाईली रिकमेंड करूँगा ताजमहल, और ये पक्का देखो, यहाँ से तो ताजमहल भी दिख, मेरे कैमरे में कुछ दिक्कत आ रही है, ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है, तो ये मेरे को ये भी चीज़ सही करवानी है। ऑलराइट दोस्तों, मैं दोबारा से हो गया हूँ सेट ऊपर से नीचे, और मेरे कैमरे में जो दिक्कत हो रही है ना, वो ये हो रही है, देखो जैसे ये दिख रहा है, ये देखो सामने देखो स्क्रीन जो मैं ऊपर कर रहा हूँ, ये देखो बंद हो गई। अब मेरे को पता ही नहीं कि मैं क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब मैं ऐसे करके बात करूँगा ना, मुझे पता नहीं है क्या रिकॉर्ड कर रहा है। ये देखो अब स्टार्ट हो गई, तो पता नहीं आज का ब्लॉग कैसे होने वाला है। अभी हो रहा है टाइम 5:18, तो अब हमारा प्लान ये है कि अभी हम जाएंगे सदर बाज़ार। सदर बाज़ार में हम लोग थोड़ा स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं, और मुझे मम्मी ने बोला पेठे ले आना, तो थोड़ा सा पेठे ले आऊँ। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ से निकलते हैं पैदल पैदल सदर बाज़ार, थोड़ा देखते हैं यहाँ पे मार्केट वगैरह कैसी है, और ये चले क्या? यस। और फिर कल सुबह निकलना है हल्द्वानी अपने आप को। क्या कुल्फी हो रही थी यार, मतलब हमने इतना पेट भर के खाया ना, ब्लॉगिंग तो छोड़ो भाई, वहाँ पे खाने में इतना मुश्किल की, इतनी भीड़ भाड़ होती ना, लेकिन यार सच बताऊँ खाने का क्या स्वाद हो रहा था खाने में, इतना लगे थे कि अरे भाई साहब। अभी ऐसा करते कोई ऑटो बुक करते हैं, फिर चलते सीधा होटल की तरफ। अभी मेरे को ATM से रुपये भी निकलवाने हैं, पेठा भी लेना है, तो मैं आपसे सीधा होटल में मिलता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, हम लोग होटल पहुँच चुके हैं, और यार थकान बहुत हो चुकी है, पीछे नानू सो चुका है, थकान मुझे भी बहुत हो रही है, लेकिन साथ ही आज का दिन बहुत अच्छा था, हमने ताजमहल घूमा,
जो कि मेन जिसके लिए आए थे, फिर लाल किला घुमा, फिर बाद अपने रूम से सदर बाजार तक हम लोग पैदल गए, जो कि 6 किलोमीटर दूर पड़ता है, लेकिन हम 1.5 किलोमीटर और एक्स्ट्रा गए थे क्योंकि हमें कुछ ज़रूरी काम था। और यार सदर बाजार में जहाँ पे खाने वाला जो सेक्शन है ना भाई साहब, वहाँ पे तो बड़ी तगड़ी वाली भीड़ होती है। सोचा हमने गोलगप्पे, पापड़ी चाट, टिकिया मैं आपको दिखा पाया था, क्योंकि भीड़ इतनी थी कि ब्लॉग छोड़ो खाने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो उसका भी एक अलग मजा है। उसके बाद हमने गोला खाया, फालूदा कुल्फी खाई, फालूदा कुल्फी बहुत अच्छी होती, पेठा ले चुका हूँ मैं। और आई होप आपको ये ब्लॉग देखा अच्छा लगा, जैसा भी लगा प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना, और अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो यार लाइक करें बिना कहीं मजाना, क्योंकि हर एक लाइक बहुत मोटिवेशन देता है। और वैसे मैंने ज़्यादा और बोल दिए, कल सुबह 5 बजे हम लोग हल्द्वानी के लिए निकल जाएंगे, तो मैं उस समय कुछ ब्लॉग नहीं करूँगा क्योंकि रोड वही है, मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वाले ब्लॉग में दिखा चुका हूँ, तो दोबारा से दिखाने का कुछ मतलब बनता नहीं। अगर हमारा कुछ प्लान बदलेगा तब मैं शायद कुछ ब्लॉग कर दूँ, बना नहीं करूँगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे हल्द्वानी में, और या मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो, तब तक के लिए बाय।